हमने भाई बड़े से बड़े पीसी और लैपटॉप्स को खरीद के उनकी टेस्टिंग करी है, बट वो सारे डिवाइसेस ना भाई इतने ह्यूज होते हैं कि ट्रैवलिंग के टाइम पे ना गेमिंग कर नहीं सकते आप उनमें, जिसकी वजह से 1.5 साल पहले मैंने ये निंटेंडो स्विच ओलेड लिया था ताकि ट्रैवलिंग के दौरान ना मैं गेमिंग कर सकूं। बट भाई इसका एक डाउनसाइड ये था कि पीसी वाली जैसी गेम्स जो होती है ना वो नहीं चल पाती इसमें। मतलब निंटेंडो के अपने भी अच्छे अच्छे टाइटल्स हैं बट मेरे टेस्ट के हिसाब से इतने अच्छे नहीं है। हालांकि क्रिकेट 22 जैसी या WWE जैसी गेम्स इसमें है वो भी काफी ज्यादा लैग करती है, इतना स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिलता था। एंड इसीलिए भाई कुछ महीने पहले मैंने खरीदा ये बीस्ट पोर्टेबल गेमिंग पीसी जो है भाई 1X प्लेयर। अब इसको आप पोर्टेबल कंसोल बोल लो, पीसी बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो, बट भाई बहुत तगड़ा डिवाइस है ये। मतलब एक तो साइज वाइज भी इतना बड़ा सा है, ऐसे लगता ही नहीं कि कोई छोटी सी चीज लेके घूम रहे हो, पूरा ना ऐसे टैबलेट वाली फील देता है और भारी भरकम भी बहुत है। बट इसका एडवांटेज ये है कि भाई इसमें ना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है, जिसकी वजह से हम विंडोज की सारी गेम्स ना इसमें खेल सकते हैं। इसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूं जिसमें हमने अनबॉक्सिंग एंड कुछ गेम्स भी खेल के देखी थी, बट इसका ना एक डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो रह गई थी जो मैंने आपसे कहा था मैं 5-6 महीने बाद शेयर करूंगा, एक बार मैं अच्छे से यूज कर लूं। तो अब ऑलरेडी 6 महीने हो चुके हैं तो मैंने सोचा चलो जी टेस्टिंग करते हैं इसकी। और टेस्टिंग भी भाई कोई छोटी मोटी नहीं, प्रॉपर एक गेमिंग पीसी जब हम टेस्ट करते हैं ना वही सारे बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर, गेम्स, प्रोडक्टिविटी वाले सॉफ्टवेयर हम इसमें भी टेस्ट करने वाले, देखते हैं भाई 1 लाख रुपए में ये डिवाइस वर्थ इट है या नहीं। बाकी वो वाली अनबॉक्सिंग और गेमिंग टेस्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके चेकआउट कर लेना, मस्त थी एकदम। इस डिवाइस के आउटर अपीयरेंस की बात करूं तो पर्सनली मुझे देखने में ना ये काफी बढ़िया लगता है, एकदम शार्प एंड एजी डिजाइन है। एंड पूरे डिवाइस में ना आपको कहीं कहीं पे ऑरेंज एक्सेंट्स लैम्बोर्गिनी के जैसे देखने को मिल जाएंगे। एंड इसका ये जो डिजाइन है ना भाई गेमिंग को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, कोई भी इंसान जिसको भी पीसी की नॉलेज है ना वो आराम से बता देगा कि ये एक गेमिंग डिवाइस है। वैसे पर्सनली बताऊं ना ये एक गेमिंग पीसी से ज्यादा एक गेमिंग कंसोल लगता है, क्योंकि फॉर्म फैक्टर उस टाइप का है ना, मतलब पीसी आप ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते कंट्रोलर वंट्रोलर लगा हुआ है, लेकिन कंसोल्स में PSP जैसे हो गया, निंटेंडो स्विच हो गया, उस तरह के कंसोल्स ऑलरेडी मार्केट में आते हैं, तो उसी की तरह ना इसका भी पूरा डिजाइन वगैरह बनाया गया है। बट भाई सही में ना ये बहुत ह्यूज और भारी भरकम डिवाइस है, मतलब आप ऐसे खड़े होके गेमिंग करोगे ना तो काफी थक जाओगे, तो थोड़ा हाथ को अपने लैप पे या फिर बेड बेड पे रख के खेलना। साइड बाय साइड अगर कंपैरिजन बताऊं तो ये निंटेंडो स्विच है भाई ओलेड वाला वेरिएंट एंड ये 1X प्लेयर है, मतलब ये निंटेंडो स्विच भाई देख रहे हो बच्चा सा लग रहा है इसके सामने, इसकी जितनी स्क्रीन है ना भाई उतना तो पूरा निंटेंडो ही इसमें बस जाएगा, और निंटेंडो यूज करने में भी काफी कंपेटेबल सा लगता है ऐसे, मतलब हल्का फुल्का सा डिवाइस और ये बहुत भारी है, बट जितना बड़ा भाई उतना ज्यादा मजेदार, गेमिंग करने का तो बड़े स्क्रीन पे मजा आता है ना। बाकी अगर आप कोई WWE सुपरस्टार हो जॉन सीना जैसे तो इसको भी यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, या अच्छे खासे डब्बे खा के बॉडी बनाते हो तब भी। चलो अब इसको ना आपको डिटेल में दिखाता हूँ, कैमरामैन आ जाओ आगे आ जाओ। अच्छा इस पे ना मैंने खरीदते ही स्क्रीन कार्ड इंस्टॉल करवा लिया था, वरना आप देख ही सकते हो भाई 6 महीने के बाद इसकी क्या हालत हो रही है, हर जगह पे निशान स्क्रैचेस एंड फिंगरप्रिंट छपे हुए हैं। अच्छी बात यह है कि स्क्रीन पे नहीं है, ऊपर जो हमने गार्ड लगा रखा है ना उसके वहां पर है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो 1X प्लेयर की बैजिंग दे रखी है, इस तरह के जो है एक्सबॉक्स स्टाइल के बटन्स है XAYB एंड इधर की साइड में बाकी 2 जॉयस्टिक दे रखी है, थोड़े बहुत और बटन्स है, यहाँ पे वेंट वगैरह दे रखा है, USB स्लॉट्स है, मेमोरी कार्ड का स्लॉट है, पीछे भी आप देख सकते हो इस तरह से ये स्टैंड निकलता है और यूं आप इसे खड़ा भी कर सकते हो। बाकी फ्रंट साइड में यहाँ पर 2 स्पीकर्स मिल जाएंगे आपको। डिटेल में तो मैंने एक एक बटन के बारे में ना उस अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में बता रखा है, यहाँ पे यार डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। अच्छा इसकी ना स्क्रीन तो बहुत ह्यूज सी है और ये टच स्क्रीन हमें मिलती है, बट ना एक दिक्कत है, जैसे मैं ये फोल्डर इसमें खोलता हूँ तो कभी कभी ना इसकी स्क्रीन वर्क नहीं करती, जैसे मैं क्रॉस पे करूंगा तो अभी कर गया, बट कभी कभी क्या है होता ही नहीं है ये देखो, तो ये थोड़ा सा ना टच की वजह से दिक्कत है, क्योंकि छोटी स्क्रीन है ना तो हर जगह ऐसे उंगली पहुंच नहीं पाती। तो वैसे तो आप गेमिंग जितनी भी करोगे बटन्स के थ्रू ही करोगे, बट वैसे इसकी टच स्क्रीन इतनी काम की नहीं है। अब ये एक बग है या फिर इसकी डिस्प्ले में कोई दिक्कत है वो मैं कह नहीं सकता। बाकी इसकी स्क्रीन के बारे में बात करें तो भाई रेजोल्यूशन से काफी इंप्रेस्ड हूं, क्योंकि इसमें आपको 2500x1600 का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से भाई इस स्क्रीन की पिक्सल डेंसिटी काफी ज्यादा है, जो कि इसको यूज करने का एक्सपीरियंस काफी अच्छा बना देता है। और भाई इस तरह के जो पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं ना उसके अंदर पिक्सल डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम इन डिवाइसेस को अपनी आंखों के पास रख के यूज करते हैं, और अगर ऐसे में पिक्सल डेंसिटी कम होगी तो आईज पे काफी स्ट्रेन पड़ेगा एंड डिवाइस को यूज करने का एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं होगा। बाकी इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें ना तो मैंने अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में भी बताया था भाई काफी ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, जितने भी इसमें बटन्स वगैरह दे रखे हैं ना वो भी काफी अच्छे मटेरियल से बने हुए हैं, एंड 6 महीने यूज करने के बाद भी इसमें से कोई भी बटन या फिर ये जो जॉयस्टिक है ना खराब नहीं हुआ भाई, बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं। अच्छा इतना यूज करने पे ना इसका एक मुझे नेगेटिव या डाउन साइड लगा कि ये ना हीट बहुत जल्दी हो जाता है, हालांकि इसमें कूलिंग का ना काफी सारे आपको ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, बट जब आप हैवी गेमिंग करते हो ना या लंबे समय के लिए गेमिंग करते हो तो भाई इसके पंखे
से एक्टिवेट हो जाते हैं और बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, ऐसे चलते रहते हैं, तो वो भाई काफी अनोइंग हो जाता है और जो भी साथ में बंदा बैठा होगा ना उसको भी सुनाई देता है भाई इतनी तेज पंखे चलते हैं। बट इतने बड़े बड़े पंखे होने के बावजूद भी भाई ये अच्छे से कूलिंग नहीं कर पाता है, क्योंकि जब आप ज्यादा गेमिंग करोगे ना तो ये हीट होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होने लग जाती है। एंड साथ ही साथ में भाई परफॉर्मेंस भी ना हीट के साथ साथ कम होती जाती है, जैसे जैसे हीट बढ़ेगी गेमिंग में परफॉर्मेंस कम होती जाती है, तो ये थोड़ा मुझे डाउनसाइड लगा। अच्छा भाई गेमिंग की बात कर रहे हो तो पहले ना इसका हार्डवेयर आपको बता देता हूँ क्या क्या स्पेक्स देखने को मिलते हैं। सीपीयू इसमें आपको देखने को मिलता है राइजन 7 5800U। ये जो यू सीरीज के प्रोसेसर है ना भाई, ये नोटबुक्स या फिर डेली बेसिस में यूज करने वाले लैपटॉप में आपको देखने को मिलते हैं। मतलब जैसे जैसे भाई समय आगे बीतता जा रहा है ना, समझ नहीं आ रहा कि जो लैपटॉप इतने बड़े बड़े या डेस्कटॉप होते हैं उनमें मिलने वाले प्रोसेसर और जीपीयूज आपको इतने छोटे छोटे डिवाइसेस के अंदर ऐसे ठूस के दे दिए गए हैं, और एक्चुअल में परफॉर्मेंस भी अच्छी निकाल रहे हैं। रैम की बात करें तो DDR4 16GB की रैम मिलती है, 1TB की SSD वाला मैंने ले रखा है, वैसे ऑप्शन और भी आते हैं। रैम 16GB मेरे हिसाब से इनफ है, जितनी भी गेम्स है 16GB में काम चल जाते हैं। तो अब चलो भाई बिना देरी के ना इसकी टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसमें टेस्ट करते हैं अपना बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर। सबसे पहले बेंचमार्क के लिए मैंने यूज करा फाइनल फैंटेसी 15, एंड भाई कीबोर्ड माउस मैंने ना वायरलेसली कनेक्ट कर रखा है, तो ऐसे मत समझना खुद से चल रहा है। रेजोल्यूशन आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, एंड ग्राफिक्स जो है वो स्टैंडर्ड पे रखे हैं, एंड ओवरऑल रिजल्ट जो है वो आपके सामने आ गए हैं। फिर सेकंड सॉफ्टवेयर मैंने यूज करा पीसी मार्क 10, इसको भी जल्दी जल्दी भाई फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके सामने स्क्रीन पे आ गए हैं। देन मैंने भाई थर्ड यूज करा 3D मार्क का, एंड इसका भी ओवरऑल रिजल्ट आप देख सकते हो 1560 आया, जो कि सही है। देन भाई फोर्थ मैंने 3D मार्क में ही इसका सीपीयू प्रोफाइल किया, एंड इसको भी फटाफट फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं और फाइनल रिजल्ट जो है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये तो हो गए भाई बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर्स। आई नो जो 1,00,000 रुपए में आपको पीसी मिल जाएगा उसमें इससे बेटर रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बट वही है भाई वो पोर्टेबल नहीं है। अगला टेस्ट आता है गेमिंग टेस्ट। तो गेमिंग तो मैंने वैसे पहले भी करी हुई है, बट स्टिल आपको FPS के साथ इस बार भी दिखा देते हैं कितनी कितने FPS किस किस गेम में मिल रहे हैं। अच्छा FPS काउंटर वाला ना इसमें चल नहीं रहा था, तो FPS तो स्क्रीन पे दिखेंगे नहीं, बट सबसे पहले मैंने गॉड ऑफ वॉर 2018 वाली टेस्ट करके देखी, एंड भाई गेम प्ले बिल्कुल स्मूथ था। मतलब थोड़ा थोड़ा सा ना ऐसे वो अटकापन कह सकते हो आप लग रहा था, बट यही हम लो सेटिंग्स में अगर प्ले करें तो सही चल रहा था बिल्कुल। सेकंड मैंने CSGO खेल के देखी इसमें, एंड CSGO तो आपको पता ही है भाई 15,000 वाले PC में भी चल जाती है, तो इसमें तो ऑब्वियसली अच्छे से चल रही थी स्मूथली। थर्ड गेम मैंने ट्राई करी इसमें PUBG PC, एंड PUBG PC भी भाई बिल्कुल स्मूथ थी, कहीं भी लैग नहीं कर रहा था, एंड ग्राफिक्स क्वालिटी भी अच्छी खासी आ रही थी भाई, कोई दिक्कत नहीं थी गेम में। मतलब इतने से डिवाइस में ना ऐसे मजा सा आ रहा था PUBG PC वाला वर्जन खेलने में। अभी तक तो हम मोबाइल वाला खेलते थे ना छोटे से डिवाइसेज में, लेकिन ये एक्सपीरियंस भाई नेक्स्ट लेवल था। देन भाई मैंने इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी खेल के देखी, क्योंकि आपको पता ही है भाई ये एक ऐसी गेम है जिसको हाई ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ती है, बट ये गेम भी भाई मस्त चल रही थी एकदम, कोई भी लैग वैग भाई पता ही नहीं चल रहा था, इतना स्मूथ एक्सपीरियंस था। ओए होए होए मजा सा आ गया मेरे को तो बिल्कुल खेल के कॉल ऑफ ड्यूटी। लास्ट गेम मैंने इसमें ट्राई करी भाई GTA 5, एंड GTA 5 भी ऑब्वियसली बात है आराम से चल गई थी, कोई लैग नहीं था, कोई कुछ नहीं था, एंड बहुत मजा सा आ रहा था कि एक ऐसा डिवाइस है जो मेरे हाथ में या जेब में घुस सकता है या बैग में घुस सकता है, और उस पे भाई मैं कहीं भी ट्रेन में बस में या गाड़ी में बैठ के GTA 5 खेल सकता हूँ भाई, नेक्स्ट लेवल वाला एक्सपीरियंस हो गया है। तो गेमिंग के मामले में तो भाई मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, ऑलमोस्ट सारी गेम में इसने अच्छे से 60-70 FPS पे चला दिया है और स्मूथ था एक्सपीरियंस, कोई अटक नहीं रहा था। जैसे मैंने बताया था ना निंटेंडो स्विच है भाई, उसमें तो क्रिकेट 22 जैसी या WWE जैसी गेम में भी इतनी लैग करती है, बट इसमें कोई लैग का नामो निशान नहीं था। जब ये हीट होना शुरू होता है ना तब दिक्कत आती है थोड़ी सी, वैसे चंगा है गेमिंग में। इसके बाद बात करते हैं भाई प्रोडक्टिविटी, यानी कि PC है तो एडिटिंग भी करेंगे, फोटोशॉप भी यूज करेंगे, तो वो सब भी करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो भाई मैंने इसमें एडोबी का एनिमेट चलाया, जिसमें हम भाई एनिमेटेड वीडियोस बनाया करते हैं 2D में। ये सॉफ्टवेयर भाई एनिमेशन के टाइम पे बिल्कुल स्मूथ चल रहा था, बट जब रेंडरिंग की बात आई ना तो थोड़ा सा बोल गया था, मतलब इतनी अच्छी रेंडरिंग स्पीड हमें नहीं मिल रही थी। फिर एडिटिंग के लिए मैंने इसमें एडोबी का प्रीमियर प्रो यूज करके देखा, एंड वही सेम स्टोरी थी भाई, स्मूथ चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी एडिटिंग के टाइम पे, बट जो रेंडर स्पीड थी ना वो इतनी अच्छी मजे से नहीं आई। तो ऑब्वियसली बात है भाई इतने हाई कॉन्फ़िगरेशन है नहीं कि आप रेंडरिंग स्पीड जो है वो अल्ट्रा फास्ट एक्सपेक्ट करोगे। उसके बाद भाई थंबनेल बनाने के लिए हमने यूज करा इसमें एडोबी का फोटोशॉप। अब ऑब्वियसली बात है जब बाकी दो सॉफ्टवेयर चल गए तो ये तो चलना ही था, और इसकी रेंडरिंग स्पीड ठीक थी, मतलब इतना ज्यादा क्योंकि डिमांड नहीं करता ना ये CPU GPU का, तो इसलिए ओवरऑल एक्सपीरियंस फोटोशॉप का अच्छा था। तो ओवरऑल वर्डिक्ट बताऊं इस डिवाइस के बारे में, तो मुझे लगता है भाई गेमिंग के लिए ये डिवाइस बना गया है, इसके जितने भी कंपोनेंट है वो उसी हिसाब से ऑप्टिमाइज किए गए हैं। हालांकि बेंचमार्किंग और एडिटिंग वगैरह भी ये कर लेता है, बट उतनी अच्छी नहीं करता जितना गेमिंग कर पाता है। और मेरे को पता है भाई आप में से जितने लोग ऐसा कोई डिवाइस लोगे वो गेमिंग के लिए लोगे, कौन इसमें बैठ के एडिटिंग करेगा, है ना, उससे अच्छा तो फोन में कर लो, आईफोन अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। वैसे इसमें भी आप माउस और कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हो तो एक्सपीरियंस तो वही मिलेगा, साथ ही साथ इसको आप एक्सटर्नल डिस्प्ले से भी कनेक्ट कर सकते हो,
उससे होगा क्या, ये डिवाइस आपका एज अ सीपीयू यूनिट काम करेगा, मतलब जो कैबिनेट वाला सीपीयू होता है, और मॉनिटर कोई और होगा, आपका माउस कीबोर्ड अलग से होगा। तो इसको आप पीसी भी बना सकते हो, पोर्टेबल डिवाइस भी बना सकते हो, सब कुछ इसमें हो जाएगा, मजा आ जाएगा। बाकी मेरे हिसाब से वर्थ इट है अगर आपके पास पैसा है, और वर्थ इट जब है जब आपके पास एक ऑलरेडी गेमिंग पीसी या प्लेस्टेशन है, क्योंकि अगर आप पहला ही अपना गेमिंग डिवाइस ये खरीदोगे ना तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। बजट कम है तो PS5 लेकर आओ, 1-1.5 लाख का बजट है तो गेमिंग पीसी खरीदो, उसके बाद भी बहुत पैसा बचता है और सोचते हो कि कहीं ट्रैवलिंग कर लेंगे तब ये लो। और लैपटॉप, और इसमें डिफरेंस बताऊं तब भी मैं आपको लैपटॉप ही बोलूंगा, ये लेने के लिए नहीं कहूंगा। बाकी लैपटॉप और पीसी की बात करें तो पीसी को मैं ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं, पोर्टेबिलिटी देखनी है तो लैपटॉप है, और अगर आपके पास सब कुछ है तो फिर ये ले लो, चंगा है, एकदम मस्त मजा आ जाएगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं बताने ही भूल गया, वो है भाई बैटरी बैकअप। अब देखो इसमें इतनी ह्यूज बैटरी तो लगी हुई है बट भाई इतनी ना काम की नहीं है। एक तो दिक्कत क्या होती है, जब भी ये बैटरी पे चल रहा होता है ना तो इसकी परफॉर्मेंस ऑलरेडी डाउन हो जाती है, तो इसको डायरेक्टली आप USB टाइप सी चार्जर के साथ कनेक्ट करके खेलोगे ना तो थोड़ी एक्स्ट्रा पावर मिलेगी। फिर इसमें ना एक ये टर्बो मोड का बटन मिलता है, जैसे गाड़ियों में स्पोर्ट्स मोड होता है ना, स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट करते ही जू जू भगने लग जाती है, उसी तरह से इसमें टर्बो मोड है, जैसे इसको दबाओगे अंधी पावर आ जाती है इसके अंदर। मतलब भाई कोई बड़ी सी बड़ी गेम भी चला लो अगर वो अटक रही होगी ना, इसको चलाने के बाद अटकेगी नहीं, बिल्कुल स्मूथ चलेगी। बट उससे होगा क्या भाई, बैटरी बैकअप आपका खून चूस जाएगा। वैसे बताऊं नॉर्मल मोड में इसकी बैटरी आराम से 2-2.5 घंटे लगातार यूजेज में चल जाती है, रुक रुक के चलाओगे तो पूरा दिन भी निकाल देगा। बट टर्बो मोड में अगर आप लगातार गेमिंग करोगे ना तो भाई 1-1.5 घंटे में इसकी बैटरी फिनिश, समाप्त, खत्म, सब कुछ खत्म। तो मेरे हिसाब से पोर्टेबिलिटी में भाई बैटरी मिलनी चाहिए, आप ट्रेन वेन में जा रहे हो तो वहां कहां चार्ज करते फिरोगे ना, उस हिसाब से बैटरी बड़ी लगाते, इतना बड़ा डिवाइस बना दिया तो बैटरी भी बड़ी होनी चाहिए थी, कम से कम 5-6 घंटे का तो बैकअप देती। खैर वैसे गेमिंग लैपटॉप जो होते हैं उनमें भी भाई प्रॉपर गेमिंग में 2-2.5 घंटे का ही बैकअप मिलता है, तो ज्यादा कंप्लेन कर नहीं सकते इसके बारे में। बाकी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था भाई, अगर नए होना चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस डिवाइस से रिलेटेड आपकी क्या राय है, आप खरीदोगे नहीं खरीदोगे वो भी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको ऐसा कोई डिवाइस खरीदना है। मिलता हूँ जी बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फ्लिपकार्ट।